हाय सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो चलिए आज शुरू करते हैं। इस गुप्त खजाने के लिए आगे हमें क्या करना होगा, इसके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे पास ये औजार है। इसे लकड़ी काटने से तथा किसी जानवर की चमड़ी निकालने में ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इसे मांस ज़्यादा मिलता है जानवरों से, और ये लकड़ियों से पतली लकड़ी, बारीक लकड़ी को तोड़ करके निकालने में, जिसे थेच कहते हैं, वो निकलता है ज़्यादा। एक खतरनाक जानवर आ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है, उसको हो सकता है उससे लड़ाई हो। इससे पहले हमें अपने हथियार को बना लेना चाहिए जल्दी से, घुसो नहीं तो अटैक कर देगा, क्योंकि ये छोटा दिखने में है, अटैक बहुत जल्दी करता है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखोगा, ये भाला अगर बन जाएगा तो काम बन जाएगा। इसके लिए सिर्फ फाइबर चाहिए, वैसे और चीज़ तो है। देखिए फाइबर ले लिया हमने, अब क्राफ्टिंग को टच करके इसको बनाते हैं। कितना बनेगा? एक बन रहा है, अर्थात इसको बनाने के लिए कितनी आवश्यकता पड़ती है? एक बनाने के लिए 6 लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, नहीं 8 की आवश्यकता पड़ती है, और 6 हमारे पास है। चलिए देखते हैं, अब लकड़ी रख लेते हैं। इसमें लकड़ी है, हमने रखी है पहले से इकट्ठा करके दूसरे बॉक्स में, 120। अब इसको बनाते हैं, अब देखते हैं कितना बनता है। 4 बन रहा है, मतलब 5 बन गया। अब इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाता है। आप लोग देख रहे हैं इधर, ये सब कपड़े हमने बना लिया है। इसको बनाने के लिए फाइबर चाहिए होता है और कुछ हाइड। हाइड आप देख रहे हैं, हाइड किसे कहते हैं, यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं, यह है हाइड, मतलब जानवरों की चमड़ी हाइड है। इसके बारे में रात होने बताएंगे, दरअसल इसको खा लेने से, खाने वाला चीज़ है, इसको खा लेने से रात में भी सुबह जैसा रोशनी दिखने लगता है, मतलब पूरी तरफ सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि रोशनी चारों तरफ हो गई हो, मतलब आँखों में इसमें ताकत दे देती है। फ्लिंट कम पड़ गया, थोड़ा सा फ्लिंट और ले लेते हैं और बनाते हैं, देखते कितना बन जाता है। 6 बन रहा है, चलिए ठीक है, 6 बना लेते हैं। एक साथ शायद 10 लेके चल सकते हैं, इस जब तक तो वो बना रहा है, हम इस पत्थर को इधर रख लेते हैं, थेच की भी ज़रूरत नहीं है शायद, नहीं थेच नहीं लग रहा है, सिर्फ फ्लिंट वुड और फाइबर, ये तीन चीज़ लग रहा है इस स्पीयर को बनाने में। इसे स्पीयर कहते हैं, स्पीयर बनाने में, भाला बनाने में, इसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना। एक, हाँ एक साथ 10 रहता है, तो हम क्यों इसे एक रखें, एक को इधर ही रख देते हैं, ये इधर है, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, हम अपनी आँखों को चेंज कर देते हैं, दिखने लगेगा सब साफ साफ। ये रहा, इस बॉक्स में हम इसको रख देते हैं, बाकी इस 10 भाले को इधर लगा लिए। इससे क्या होगा, कोई अटैक करेगा तो इसे मारने के काम में आएगा। अब हमें क्या करना होगा, कुछ जानवर को अटैक करना होगा, इसलिए ये अटैक, ये रहा, इसको हाथ में लेते हैं, देखते मार पाते हैं। ये अंधा कर देता है, मारते रहना पड़ेगा, मार दिया, अगर हम ना मार देते हम ही मार देता। यही इसकी खास क्वालिटी है कि ये अंधा कर देता है। देखिए मेरा ये हेल्थ है इतना डाउन हो गया। चलिए अब कुछ तोड़ फोड़ कर लेते हैं। तोड़ फोड़ करने से हमारा जो है इनग्राम बढ़ता है, इनग्राम बढ़ने से लेवल बढ़ता है। आपको दिखा देते हैं, लेवल मेरा 9 हो चुका है, कैबेट गेमिंग लेवल 9, 9 हो चुका है, मतलब एक लेवल और चाहिए तो वो जो रहस्य है, जो वो खजाना है, वो खुल जाएगा। अब उसमें है क्या, इसको देखने के लिए हमें तो कुछ करना होगा। इस पत्थर को तोड़ सकते हैं, इस लकड़ी को तोड़ सकते हैं अपना लेवल बढ़ाने के लिए। पहले इसको उठाते हैं, इसमें थोड़ा सा फ्लिंट फ्लिंट निकालते हैं, स्टोन और फ्लिंट मिलता है। इससे क्या होगा कि ये जब टूट जाएगा मेरा लकड़ी काटने वाला, देखिए थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है सफ़ेद रंग में, मतलब इसकी एनर्जी बस थोड़ी सी बची है, उसके बाद टूट जाएगा। अब इसको हम तोड़ते हैं, अब टूटते ही इसे रिपेयर भी कर लेंगे,
ये टूट गया हमारा। रिपेयर करने के लिए इसी टूटे हुए पर एक बार टच करेंगे, इधर रिपेयर होने लगेगा। देखिए ऊपर रिपेयर हो रहा है, रिपेयरिंग लिखा है, अब रिपेयर हो जाएगा, अब रेडी हो गया। अब फिर इसे टच करेंगे तो हाथ में आ जाएगा। अब इसे फिर तोड़ना शुरू करते हैं, टूट गया। अब इस पत्थर को भी तोड़ते हैं, देखिए इससे तीन और एक एक बार बार पत्थर मिल रहा है, लेकिन इससे पत्थर कम, फ्लिंट ज़्यादा निकलता है। देखिए फ्लिंट निकल रहा है, तीन फ्लिंट, दो फ्लिंट, मेटल निकल रहा है, फ्लिंट निकल रहा है, लेकिन स्टोन नहीं, बहुत कम निकलता, कभी कभार निकल जाता है। लेकिन इससे क्या है, स्टोन ज़्यादा निकलता है, फ्लिंट कभी कभार निकलता है, और मेटल भी बहुत कम निकलता है। मतलब कि ये पत्थर तोड़ने के लिए ज़्यादा सही है और वो फ्लिंट निकालने के लिए ज़्यादा सही है। इस हाथ वाले चिन्ह पे टच करिए रखेंगे तो हमेशा तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा। चलिए देखिए हमारा लेवल ये बार बार पीला पीला अप डाउन कर रहा है ना, कभी बुझ रहा है कभी जल रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है। और यही पूरा होते ही एक लेवल पूरा हो जाएगा, और इसी तरह से लेवल बढ़ा सकते हैं। ये पीला वाला जितना बार जल रहा है, मतलब कोई भी काम करोगे ये कुछ न कुछ जलता रहेगा, जलता रहेगा, मतलब जल रहा है, मतलब आपका ये लेवल इन ग्राम बढ़ रहा है। जैसे ही ये एरो पूरा हो जाएगा तो एक लेवल अपने आप आ जाएगा। अब इसी तरह से एक नौ लेवल हो चुके हैं, बस एक लेवल चाहिए जिससे कि हमारा 10 लेवल हो जाए और हम उस खजाने को खोल सकें। डर के मारे टट्टी हो जा रही है बेचारे से। वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन देखते हैं कोई खतरा नहीं होगा, जा कर के उसमें से निकालेंगे। वो एक तरह से सप्लाई ड्रॉप है, जैसे अन्य गेम में होता है, कुछ न कुछ मिलता है। अगर कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, कोई खतरा ना हो तो। खतरा भी हो सकता है, जल्दी से खोलिए पेटी, टेकाल कीजिए, भागो 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 भागो। क्यों खतरा है, क्योंकि इसमें पानी में भी जो जीव होते हैं वो भी मारते हैं। अब देखते हैं क्या मिला इसमें से। अच्छा ये झोपड़ी वाला आइटम मिला है, तो मिल चुका है, हमारा काम भी हो चुका है। चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इससे भी क्या होगा, बढ़ाने से अब इस तरफ तो बढ़ा नहीं पाएंगे, देखते हैं कहाँ बढ़ाते हैं। एक ही मिला है, इधर ही बढ़ा लेते हैं क्या। यही विकल्प ही है, इधर ही बढ़ाना पड़ेगा। चलिए इसको फाउंडेशन लगा लेते हैं, लग गया। अब इस दीवार को लगाते हैं, उस तरफ लगाते हैं, उधर लगाते हैं, इस छत को लगाते हैं, और इधर क्या लगाएंगे, डोर फ्रेम, डोर की ज़रूरत तो है नहीं, दीवार लगाते हैं और उस तरफ की दीवार चल करके तोड़ देंगे। इसको डोर फ्रेम और डोर को लगा करके हम क्या करेंगे, अरे क्यों ना हम अंदर ही लगा दें डोर फ्रेम डोर। चलिए आप लोग भूत दरवाज़ा देखेंगे, भूत दरवाज़ा देखिए अपने आप बंद हो रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, बंद हो रहा है। देखिए इधर से, देखिए इधर से नहीं दिखेगा, इधर से देखिए ऐसे, इधर से नहीं, इसको हम गायब करके इधर से देखते हैं। अब देखिए 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 देखिए, चलिए छोड़िए, अच्छा अंदर चलते हैं, बनाते हैं इधर का। इस तरफ पे हमने मकान बना दिया है, थेच वाल लिखा है, तो वाल को ही पता लगा, उधर रूफ दिखा है, आपने सोचा वाल है और तोड़ दिया तो छत टूट जाएगी। ध्यान से थेच वाल लिखा है, मतलब यही पे। अब ये टूटने वाले चिन्ह पे हम टच करेंगे, कुछ देर तक टच किए रखेंगे, टूट गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डोर फ्रेम इधर से, हाँ अब लग गया। अब इसी में लगाएंगे हम गेट, गोपनीय है, एक कमरा बन गया। आप देखिए क्या, इसमें अंदर जा करके यहाँ पे हम लगा देंगे बेड, ताकि उधर काम हो, इधर सोने का काम हो। चलिए देखते हैं, वो मोबाइल में अपने आप बंद हो जाएगा गेट, टेंशन नहीं है।
पीसी में होता है तो वो बंद नहीं होता है अपने से, उसे बंद करना पड़ता है। शायद उधर खतरा समझ में आ रहा था, देखते हैं कौन खतरा है। नॉर्मल खतरा रहेगा तो उसे निपटा देंगे एकदम से। वाह, इस पे चढ़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं। वाह, चढ़ करके किसी को मारने का ट्राई करते हैं। इसे तोड़ते हैं, पानी आ गया। देखिए पानी पीने का कई ढंग है। पानी हम पानी में कूद करके भी पी सकते हैं, और पानी अगर बारिश हो रही है तो खड़े हो जाएंगे तो पानी अपने आप। वो क्या कर रहा था, पानी अपने आप भर जाता है, तो मतलब पानी पीने की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है। आइए देखते हैं, हम अपने इस चीज़ के बारे में बताते हैं। इस वक्त देखिए रात हो रही है, हम अभी देखिए खाएंगे इस चीज़ को, एकदम रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। इसका प्रयोग देख लेते हैं। अब देखिए एक कर लिया, देखिए एकदम रोशनी, एकदम रोशनी। और ये देखिए जल रहा है ऊपर, स्लो स्टिक सर्टेन इनेबल्ड। अब आपको कहेंगे कि घंटी सुनाई पड़े, सुबह भी हो गई तो उस वक्त सुबह नहीं हुई थी, अभी देखिए ज़्यादा दिख रहा है। जैसे जैसे सुबह होती जाएगी बहुत ज़्यादा रोशनी दिखने लगी। देखिए वो आइलैंड एकदम सफ़ेद दिख रहा है, मतलब ये इसका असर है। जैसे ये ख़त्म होगा खुद ही आप देखेंगे कि डाउन हो जाएगा। हम देख रहे हैं हमारा लेवल भी आ गया है, अब मतलब हमारा 9 लेवल है। इसे जैसे ही अप्लाई करेंगे इस पर तो लेवल 10 हो जाएगा। अब 10 होने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, यदि लेवल आता है तो तुरंत एक के बाद एक काम करने से लेवल तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए हमें अब करना क्या होगा, कुछ कार्य दिया गया है, क्या करना है उसको कर लेंगे ताकि दो दो काम जल्दी से हो तो हमारा लेवल तेज़ी से बढ़ेगा। 2, 3, 4 लेवल साथ में आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें इधर देखते हैं, इधर देखेंगे ऊपर लिखा है टेक अ नैप, और एक है टेम डोडो, एक है फोटोग्राफी हार्बेरियस, और एक और है लेस नेकेड। ये 3 चल रहे हैं, इनमें से लेस नेकेड मतलब कपड़े पहनना होगा, कपड़े हमने बना लिया है। फोटोग्राफी फ़ोटो खींच के शेयर करना होगा किसी भी जगह, व्हाट्सएप फेसबुक कहीं भी, और एक डोडो को टेम करना होगा। तो जैसे ही बॉक्स खोलेंगे इन तीनों में से कोई एक करेंगे, इससे क्या होता है कि डोडो का भी लेवल एक मिलता है और एक बॉक्स खोलने पर मिलता है। अगर हम दोनों साथ में करेंगे तो 2 लेवल नहीं 3 या 4 लेवल होना चाहिए, ऐसा जानकारी मिली है, कुछ लोगों ने बताया है। चलिए देखते हैं, इसको बनाने के तो डोडो को ट्रिम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ती है पहले इसको चालू कर लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा क्या ज़रूरत पड़ेगी। टेम डोडो को ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे, बगल में आ जाएगा, ये बता रहा है सर्च वाला ऑप्शन कि डोडो कहाँ पे है। बगल में दिखा है परसूट चालू हो गया है, बेलिस अ वुडन क्लब, क्या है ब्रांडिस अ वुडन क्लब, मतलब एक वुडन क्लब को बनाना होगा। बनाने के लिए क्लब बनाने के लिए हमें देखना होगा कहाँ है क्लब। इधर देखते हैं क्राफ्टिंग में, ये है वुडन क्लब। इसके लिए क्या ज़रूरत है, 4 वुड 15 फाइबर, मतलब 4 लकड़ी लेना होगा। इसको हम गायब करते हैं, ऐसे 4 लकड़ी लीजिए और 15 फाइबर, चलिए 15 फाइबर ले लेते हैं, ले रखते हैं ज़्यादा अभी, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्यों अपने साथ रखे, वज़न बढ़ता है। ये क्यों खुल रहा है बार बार, फिर ये है 4 फुट लेना होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे ये फाइबर है, फाइबर जो कि बनता है उन मिलता है बेरीज तोड़ने पर। ये बीज है मेजोबेरी सीड, ये मेजोबेरी, और कौन है हम दिखाते हैं, ये जो बैगनी कलर की है मेजोबेरी, यही है इसका बीज। इसी इस बीज को यदि हम फार्मिंग करेंगे, खेती करेंगे, उसे बो देंगे तो बीज तैयार हो जाएगी। ये क्या है, लॉन्ग ग्रास सीड कंज्यूमेबल,
लंबी घास का सीड है, इसे लॉन्ग ग्रास बोलते हैं। अब इसे बोने पता चलेगा क्या होता है, कैसी सीड है। फिलहाल इनमें से कोई भी चीज, ये बेरीज वगैरह कोई नहीं है लॉन्ग ग्रास में से। और ये क्या है, नार्कोबेरी सीड। नार्कोबेरी में जहरीली बेरी, जो काली रंग की बेरी होती है, इधर दिखाएंगे ये, यहाँ पे ये 57 जो काली रंग बेरी है, यही नार्को इसकी बीज है। जो हमें घास ढूंढनी पड़ती है, हम लोग चाहें तो इसे गमले में बो करके इसके बेरीज को प्राप्त कर सकते हैं। कलर है जो गिफ्ट से मिला है, गिफ्ट देख रहे हैं ना। अब आप देखेंगे बगल में है कि ये एक गिफ्ट जैसा दिख रहा है इस जिनके ऊपर, उसमें टाइम चल रहा है 1935, 34, 33, जैसे 0 होगा तो एक गिफ्ट आ जाएगा। लगभग 1 घंटे से ऊपर होता है, 1 घंटे लगातार खेलोगे तो एक गिफ्ट मिलता है, तो उसी में से मिला है। आप चाहें तो एक थोड़ा सा खेले, बंद कर दे, 1 घंटे बाद चालू करे तो वह 1 घंटा बीत चुका रहेगा और फिर वह गिफ्ट मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें पहले बनाना होगा क्लब को। क्लब बना लेते हैं, बनाने के लिए क्या होगा, डोडो मारना होगा। डोडो मारना नहीं होगा, टेम करना होगा। बन गया। अब एक है कहाँ, इसको यहाँ रखते हैं। अब क्या कर रहा है, क्राबडन क्लब एंड इक्विपेट, इसे ले लेते हैं। अच्छा लेना है। नोकआउट और डोडो, एक डोडो को घायल करना होगा। देखते हैं मैप पे डोडो है कहाँ। अच्छा जिधर मुंह है हमारा उधर ही डोडो है, वो उधर है, उधर है। देखते हैं डोडो किधर है, इधर खतरा भी हो सकता है। ये कौन सा जानवर, अच्छा कछुआ है, हम ऐसे करते हैं। डोडो ये रहा डोडो, कितना लेवल है, ज़्यादा लेवल का करना चाहिए। फिलहाल हमें अभी काम चलाना है, तो हम डंडे को लेते हैं हाथ में और नोक करना है, इसे मारना होगा, बेहोश करना होगा। मारो मारो, बस 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 बस, बेहोश हो गया, देखिए बेहोश हो गया। अब बेरी खिलाना होगा। अब बेरी खिलाने से पहले हम चलते हैं उस बॉक्स को खोलते हैं, इस बेरी को हम डाल देते हैं और भागते हैं यहाँ से। इस बेरी को हम डाल के भागते हैं, तब तक ये टेम हो जाएगा। इसको बंद कर लेते हैं, अब नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और सारे कपड़े ले लेते हैं, 3 में से कोई ना कोई साथ में करेंगे। ऐसे क्या होगा कि हमारा काम भी हो जाएगा। और पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये सब जल्दी से करना होता है इसी बीच में, ताकि लेवल जल्दी से आ जाए। इसमें कपड़े हैं, इसमें है नहीं, कपड़े तो इसमें है। चलिए फटाफट सभी कपड़ों को ले लेते हैं। फटाक से एक, इसे खोलते ही हमें दो दो काम करने होंगे, जितना हो सके उतना। लेबल पहले अप्लाई करते हैं, लेबल। अब क्या करते हैं, हेल्थ पे लगाते हैं, लगा लिए। अब इसको खोलते हैं, खुल गया। क्लोज करते हैं, खुल गया ये। अब इसे हम तुरंत क्लोज करना होगा, और ये जैसे ही लाइन चल रही है, इसको लाइन को ख़त्म हो उससे पहले हमें एक और काम करना होगा, एक और परसूट ऑन करके इसे पूरा कर लेना होगा, ताकि लेबल मिल जाए। लेसने पर इसमें मतलब यह है, इसको कपड़े को पहनना होगा। क्राफ्ट ए फुल, एक फुल क्लॉथ सेट, अच्छा पूरा क्लॉथ सेट का आपका क्राफ्ट करना होगा। क्राफ्ट तो हो गया है, अब क्या करना होगा, कौन सा क्राफ्ट, यू कैन इक्विप आर्म बाई
डबल टैपिंग आंद, अच्छा इसको डबल टैप करते जाएंगे तो पहन तो चला जाएगा। हाथ पहन लिया, ठीक, जूते भी पहन लिया, पैंट भी पहन लिया, शर्ट भी पहन लिया और टोपी भी बांध लिया। लेबल तो मिल गया, अब एक और एक जूता मिल गया। वाह वाह, लाल रंग का जूता। पहले इसके हम देखेंगे कितने लेवल आया है, दो लेवल आया है। चलिए इसको लेवल लगा लेते हैं, एक स्टेमिना एक स्पीड। अप्लाई, अब दूसरा इस लाइन ख़त्म होने से पहले एक और परसूट कंप्लीट करना होगा, मतलब टेम डोडो का। टेम डोडो को अभी अधूरा छोड़ा था, उधर वो टेम हो चुका होगा पहले। तो ये खतरनाक जानवर आ गया, ये मारता नहीं है, मार डोडो कहाँ है जिसको हमने ट्रिम करने, यहाँ है, ये रहा डोडो हमारा। अब क्या करना होगा, अच्छा डोडो ये नहीं मान्य होगा, इसको रीनेम कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको रीनेम कर देते, हो सकता है हमारा कंप्लीट हो जाए। 1-0 करके कम करते हैं। ओके ओके, नहीं काम हो रहा है। इसको शांत कर देना होगा, कंधे पर ले लेते हैं। चलिए, अरे नहीं कंधे पर नहीं आएगा, इसे बेरीज ले लेते हैं, इसको दूसरी बेरीज दे देते हैं ताकि मर ना जाए। इसको शांत कर देते हैं, अटैक टारगेट से पैसिव और फॉलो कर लेते हैं, सीटी बजा कर फॉलो किया जाता है। ये रही सीटी, और क्या करना होगा, फॉलो ऑल। चलिए ठीक है, अब किधर इशारा कर रहा है देखते हैं। मैं कुछ जल्दी से जल्दी हमें डोडो को फाइंड आउट करना होगा। चलिए इधर ही है वो डोडो, ले लिए। डोडो किधर है, इधर है। लेबल पाप रे तेरा है, फटाफट मारना शुरू करेगा, नहीं भाग जाएगा। मारो 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 मारो, चलिए ठीक है, इसे फीड करना होगा, खिलाना होगा। जल्दी से खिला लेते हैं, लाइन समाप्त होते ही खिला लेते हैं। इसको खिलाना होगा, 20% हुआ, 20% हुआ। बेरीज बेरीज, नहीं तो होश में आ जाएगा। क्या करना होगा, बेरीज लाना होगा। ये अंडा क्या है, अच्छा इस अंडे को लेते हैं। देखिए ध्यान से, अंडे लेना उसी का है जो जानवर खतरनाक ना हो। जानवर तो खतरनाक नहीं है, लेकिन अंडे ख़त्म हो गए। ये कितना परसेंट हुआ, 60% हुआ, हो जाएगा। लेकिन इसकी मूर्छा टूट तो नहीं जाएगी, ये मूर्छित है। नहीं 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 टूटेगी, ये हो जाएगा टेम। टेम होने के साथ साथ तुरंत इसका नाम रखना होगा, नेम, इसका नाम रखना होगा। इसका नाम डोड टू रख देते हैं, या डोड वन। गुड, कंप्लीट नाम हो गया। एक्सप्लोरर नोट नॉट फाउंड, योर टीम हैज बीन अवार्डेड एक्स्ट्रा गुड जॉब। अच्छा इसको क्या मिल गया लेवल,
अच्छा, 9 लेवल एक्स्ट्रा मिल गया उसकी हेल्थ। हमारे टोटो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, इनको चल करके घर पर छोड़ते हैं, अंडे देंगे। अंडों से बहुत कुछ, खासकर इनसे भोजन तो मिल ही जाएगा, लेकिन हमें देखना होगा कि अंडे देंगे कौन। जो फीमेल डोडो होगी वही अंडे देगी। आ रहे हैं कि नहीं हमारे प्लेयर की? आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। दौड़ते आओ दौड़ते आओ दौड़ते आओ, इन्हें घर पे पहुंचा करके। ये हमारा एरिया है, हमारा एक खजाना भी खुल चुका है। हमारा आज का लक्ष्य यही था कि हम इस खजाने को खोलें, कपड़े पहने और डोडो टेम करें। हमने आज 3 काम किया, फिलहाल एक ही करना चाहिए था, लेकिन 3 काम कर लिए। ले दोस्तों, अब इसी इस एपिसोड के यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ नई चीज़ के साथ। और वो आइलैंड तो अभी अधूरा है, और हम दिखाएंगे अब आगे हमें क्या करना होगा। एक खतरनाक सा जानवर जो दिख रहा है पानी में, बहुत बड़ा डायनासोर, इसे भी हमें टेम करना है। तो टेम करना है मतलब इस तरह पालतू बना लेंगे तो हमारी तरफ पे पीछे पीछे दौड़ते आएंगे। इस पर तो हम सवारी नहीं कर सकते, लेकिन ये इस पर हम सवारी कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है, बहुत ताकतवर होता है, इसे जल्दी कोई मार नहीं पाता है। लेकिन इसे टेम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत औजार बनाने पड़ते हैं। उस औजार को बनाने के लिए टाइम लगेगा, तो हमारा लक्ष्य धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। उस आइलैंड पे जाना तो ज़रूरी भी है, लेकिन आज का एपिसोड यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप सभी को अलविदा करते हैं, तथा अब अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई खोज, एक नई चीज़ को बनाने के साथ ही। तब तक लिए बाय। बोल दो भाई, ये कह के बोलो जैसे बोलते हो, डोडो की तरफ अच्छा हाँ करके बोल दो, बोलो। हाँ।